बड़ी खबर आ रही है कुशीनगर से। एक मिनट, कुशीनगर में वायुसेना का एक लड़ाई विमान जैगुआर जो है वो गिर गया है, क्रैश हो गया है। ये देखिए, ये तस्वीरें अभी आ रही हैं। ये हेतिमपुर इलाका है, कुशीनगर हेतिमपुर। पैराशूट के सहारे नीचे उतरे पायलट ने अपनी जान बचाई है। अशोक शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। अशोक, क्या वजह रही? अभी तक का जो तत्कालिक मामला सामने जो आया है, अभी ये बताया जा रहा है कि जो विमान था वो गोरखपुर एयरपोर्ट से निकला था और तकनीकी कुछ कमियां हुई जिसके बाद पायलट पैराशूट के सहारे नीचे उतर गया, सुरक्षित बच गया, लेकिन प्लेन कुछ ही देर में क्रैश हो गया। यह हालांकि गनीमत यह कही जा सकती है कि प्लेन जो खाली क्षेत्र था वहां गिरा, जिसके बाद प्लेन धू धू कर जलने लगा। तो यह एक राहत वाली बात है कि अगर शायद बस्ती में गिरता या किसी गांव में गिरता तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि पायलट सुरक्षित नीचे उतर गया है और जो किसी जन और धन की हानि भी नहीं कही जा सकती है इस घटना में। पायलट अकेले ही था और लोग नहीं थे उसमें? जी बिल्कुल, जो अभी तक सूचना आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि पायलट अकेले ही था उसमें, क्योंकि पैराशूट के सहारे वो पहले उतर चुका था, इसलिए यह क्लियर है। लेकिन जो घटना के कारक हैं अभी उन कारणों का नहीं पता चला है, क्योंकि गोरखपुर से जो घटना स्थल है वहाँ करीब 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी है। तो अभी जो एयरपोर्ट की टीम होती है, जो विंग होती है, जांच करती है कि आखिर प्लेन क्रैश होने का कारण क्या था, तो अभी वो टीम नहीं पहुंची। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और घटना को देखते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए हैं, जिसको हटाने का काम भी पुलिस कर रही है। ठीक, लेकिन अब सवाल ये कि वायुसेना का प्लेन है और क्या रूटीन में ट्रैवल करता था, अगर हम कहें, और गांव के लोग तो खैर इकट्ठे होते हैं जब इस तरह की हैपनिंग होती है, और आपने देखा भी कि नुकसान हो सकता था अगर ये आबादी वाली जगह पर गिरता, तो ये एक और अच्छी चीज रही कि पायलट की जान तो बची ही, साथ ही प्लेन जहां पर गिरा वहां ये पर आबादी। ये तस्वीरें आ रही हैं यूपी के कुशीनगर में, जहां जैगुआर विमान हादसे का शिकार हुआ है। बताया जा रहा है कि उसमें एक ही पायलट मौजूद था जिसने फिर इमरजेंसी शूट का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान बचा ली। संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। संदीप, बताइए कुछ और डिटेल्स, क्या पता लगा है आपको? देखिए, अभी खबर यही आई है कि एक जैगुआर जो है वो क्रैश हुआ है कुशीनगर के पास हेतिमपुरा में, जो कि अभी तक इसके और डिटेल्स के बारे में अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि जो पायलट है उसने सेफली इजेक्ट किया और बाकायदा जो है उस इलाके में जहाँ पे क्रैश हुआ है उसके आसपास आबादी वाले इलाके से जो है बाहर ये प्लेन क्रैश हुआ है। और अभी बाकी डिटेल्स जो है वो आनी बाकी है कि आखिर किस वक्त ये एयरक्राफ्ट उड़ा, चूंकि अब एयरक्राफ्ट जो है क्रैश हुआ है तो जाहिर सी बात है कि अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है ऑर्डर हो चुकी है इसमें, और ये देखा जा रहा है कि आखिर इस क्रैश के पीछे की वजह क्या है। ये जैगुआर जो है एक डीप पेनिट्रेटिंग फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये रूटीन मिशन पर भी जो है नॉर्मल जो है इनकी रूटीन सॉर्टीज होती है। अब ये देखना होगा कि कितने बजे किस एयरबेस से फ्लाई किया था और क्या तकनीकी जो है खामियां इसमें सामने आई है वो तो जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो खबरें यही आ रही है कि जो ये सेफली इजेक्ट किया है पायलट ने और अभी फिलहाल पायलट सेफ है। अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आधिकारिक रूप से किसी भी तरीके की जानकारी फिलहाल इस पूरे क्रैश के बारे में नहीं दी गई है। और लगता है ये कहीं खेतों के बीचों बीच जाकर ये जैगुआर क्रैश हुआ है, इसीलिए कहीं जान माल का नुकसान खासा होते हुए नहीं दिख रहा है संदीप, जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, लेकिन हमें अभी तक ये डिटेल्स नहीं पता ये कौन से एयरबेस से उड़ा था। ये करीब कह रहे हैं कि गोरखपुर से करीब 50-60 किलोमीटर की दूरी पर ये घटना घटी है। बिल्कुल, देखिए, जब भी रूटीन फ्लाइट के लिए कोई भी मिशन को लॉन्च किया जाता है उसके बाद जो है ये देखना दिलचस्प होता है कि आखिर ये किस वजह से जो है ये क्रैश हुआ, क्योंकि इससे पहले भी लगातार एयरक्राफ्ट जो क्रैश हो रहे हैं और उनकी जांच भी की जा रही है। और ये क्रैश होने के बाद जाहिर सी बात है कि जितने भी जो जैगुआर का फ्लीट है उसको ग्राउंड किया जाएगा और उसके बाद जो है ये जांच की जाएगी कि अगर कोई खामी थी, कोई कमी थी, तो वो भी जांच के बाद पता लगेगा, उसके बाद ही जो है बाकी एयरक्राफ्ट को जो है उड़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल एयरफोर्स की तरफ से आधिकारिक रूप से इस बारे में भी जानकारी आना बाकी है कि किस एयरबेस से एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी और कितने बजे जो है। ये काफी पुराने एयरक्राफ्ट है, मिग्स और जैगुआर्स के काफी सारे हमको लॉसेस हुए हैं, कम से कम 182 पायलट भी हमने खोए हैं पिछले दशक में, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट जो हैं काफी पुराने हैं और इनकी मेंटेनेंस में खासा खर्चा उठाना पड़ता है हमारी सेना को।
बिल्कुल, देखिए हमारे पास जो भी अभी एयरक्राफ्ट हैं वो अमूमन पुराने हो चुके हैं। जैगुआर भी जो है काफ़ी पुराना एयरक्राफ्ट है, और अगर हम लोग बात करें कि मॉडर्नाइजेशन की तो Su-30 जो है वो लगातार जो इंडक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल अत्याधुनिक विमान है वो। साथ ही राफेल जो है उसके 2 स्क्वाड्रन इस साल के अंत तक आना शुरू हो जाएंगे। साथ ही तेजस जो है वो भी जो है इंडक्शन शुरू हो रहा है। लेकिन जो पुरानी फ्लीट हो चुकी है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं क्रैश हो रही है, जिसकी वजह से जो है कोशिश ये की जा रही है कि जो पुराने पड़े जो एयरक्राफ्ट हैं, क्योंकि स्क्वाड्रन लगातार कम हो रहे हैं, ऐसे में उन एयरक्राफ्ट को जो कि अगर हम बात करें, जैगवार जो है वो 70 के दशक के अंत में जो है वो इंडक्ट हुआ था, और उसके बाद से जितनी भी नई नई तकनीक है उसमें जो है मॉडर्नाइज किया जा रहा है उसको, ताकि जब तक ये स्क्वाड्रन की जो तादाद है जो कि 42 स्क्वाड्रन प्लस जो हम लोग इस वक्त मौजूदा हालात में चाहिए वो जब तक पूरे नहीं हो जाते, तब तक जो है इनको दुरुस्त करके जो है उड़ने लायक स्थिति में जो है लगातार जो है इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। लेकिन अभी भी इनकी एज है और ये फ्लाई कर सकते हैं, और इस कह सकते हैं कि 2025 से पहले पहले जो है ये जो है फेज आउट होना शुरू भी हो जाएंगे। अच्छा संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। अजीत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ लखनऊ से। अजीत, क्या पता लग रहा है आपको, ये कैसे दुर्घटना घटी और ये कहां से टेक ऑफ किया इस एयरक्राफ्ट ने? देखिए, जो अभी तक आनंद जानकारी आ रही बताया जा रहा है, गोरखपुर एयरबेस से जुड़ा हुआ मसला, और हेतिमपुर के पास एक फाइटर प्लेन है जो क्रैश हुआ और पैराशूट के सहारे इसको नीचे उतारा गया, पायलट नीचे उतरा और नीचे गिरते समय ही प्लेन में आग लग गई, क्योंकि खेत में गिरा रिहायशी इलाका नहीं था, लिहाजा कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ और लोग मौके पर पहुंच गए। अभी जो रेस्क्यू था, एक तरीके से कहा जाए आग, उसको जो आग लगी थी बुझा लिया गया, लेकिन किसी की हताहत होने की खबर नहीं आई, एक अच्छी खबर है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी तकनीकी खराबी की वजह से ये फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है और गोरखपुर एयरबेस का बताया जा रहा है। आनंद, एयर मार्शल डीके पांडे जी हमारे साथ हैं। नमस्कार एयर मार्शल, आप जरा जैगुआर एयरक्राफ्ट के बारे में बता सकेंगे और ये क्या क्या हो सकता है इसमें कारण, क्योंकि बताया जा रहा है कोई तकनीकी खराबी थी, बैड वेदर तो नहीं था, मौसम साफ था, लेकिन पायलट ये एयरक्राफ्ट जो विमान जो है ये कुशीनगर के आसपास कहीं वहाँ गोरखपुर से करीब 50-60 किलोमीटर दूर क्रैश हुआ है। ये तो ये जैगुआर काफी पुराना हो चुका है, 1980s में इसका इंडक्शन हुआ था जी, और कितने साल हो गए, 40 साल के करीब हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हवाई जहाज की उम्र बढ़ती है थोड़ा तकनीकी कमियां होती हैं उसमें, और पता नहीं, मैं मुझे तो अभी खबर मिला है कि ये क्रैश हुआ है, लेकिन इसमें तो इन्वेस्टिगेशन पर ही पता लगेगा क्या हुआ था। लेकिन इसमें पायलट इजेक्ट कर गया है जी, और पायलट सेफ है। पायलट इजेक्ट कर गया, इसका मतलब कि जो सिचुएशन ऐसा था कि जो उसकी वो नहीं कंट्रोल कर सकता था, इसका मतलब कि कोई भी ऐसा फेलियर हुआ है जो कि पायलट के कंट्रोल में नहीं, हवाई जहाज नहीं था, तो उससे उस हालत में उसको इजेक्ट करने के सिवा और कोई उपाय नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जैगुआर एयरक्राफ्ट जो है सो वो लो लेवल, वो नीचे काफी ग्राउंड अटैक की कैपेबिलिटी है इसकी, ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी है, वो हाई ऑल्टीट्यूड में नहीं फ्लाई करता, वो लो लेवल में फ्लाई करता है, इसलिए जो टाइम मिलता है पायलट को एक्शन लेने के लिए वो बहुत ही लिमिटेड होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए लो लेवल में कोई इस तरह का फेलियर हुआ है, इमरजेंसी हुआ, तो उसको तो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि तो तुरंत एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाएगा, ज़मीन में लग जाएगा, इसलिए उसको इजेक्ट करना पड़ता है। तो अब क्या हुआ था ये तो कोर्ट इंक्वायरी पता कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैगुआर अब ये फ्लीट पुराना हो चुका है, और जैसे आपने MiG-21 में भी देखा होगा कि फ्लीट में भी काफ़ी एक्सीडेंट होते रहते थे जी। वैसे हवाई जहाज तो काफ़ी अच्छा है, रिलायबल है, ट्विन इंजन है, और एक इंजन फेल करने पर दूसरे इंजन पर भी हवाई जहाज वापस लाया जा सकता है। लेकिन अभी सारे इस घटना में क्या हुआ है ये तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बताएगी। कई सारे इंटरनेशनल एयरफोर्सेज हैं जो इनके स्क्वाड्रन्स को पसंद करते हैं, जैगुआर्स को पसंद करते हैं, लेकिन क्या अब ये डेटेड हो चुके हैं, क्या ये फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट से पीछे नहीं, चलते नहीं, हैं सब, सर? ये सब फोर्थ जनरेशन नहीं है, ये सब उसके पहले का है, थर्ड जनरेशन का, थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं। उसको अपग्रेड यहाँ पर हो रहा है, थोड़ा बहुत अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन उससे कोई खास इसमें जनरेशन चेंज नहीं होगा, और अब ये रिप्लेस ही होने वाला है। अब ये सब जो अभी
प्रोग्राम चल रहा है रिप्लेस करने का, मिग 21 फ्लीट और ये जैगुआर फ्लीट, ऐसे सब इंडियो को सब रिप्लेस ही हो जाएगा। लेकिन इनकी जो डीप पेनिट्रेशन एबिलिटी है, एक एक बात है कि हम एयरक्राफ्ट पिछले दशक में हमने कई सारे एयरक्राफ्ट खोए हैं, मिग्स हैं, सुखोईज हैं और जैगुआर्स भी कई तादाद में, और ये नंबर्स काफ़ी अलार्मिंग नंबर्स हैं क्योंकि इंडियन एयरफोर्स और वायुसेना के पास अभी एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज है और इससे हमारी जो हवाई काबिलियत है और डिफेंस है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता होगा सर। एक्सीडेंट तो होते रहते हैं लेकिन यही है कि जब फ्लीट पुरानी हो जाती है तो उसको टाइमली रिप्लेस करना जरूरी होता है, अनफॉर्चुनेटली वही नहीं हो रहा है। 15 साल से हम कोशिश कर रहे थे वो रफाल को खरीदने का लेकिन वो तो हुआ नहीं, फेंक कर दिया। और अभी एक 36 हवाई जहाज आ रहा है छोटा मोटा, ये बहुत कम है। और अब नया जो प्रोसेस शुरू हुआ है 114 हवाई जहाज का, वो पता नहीं कितने साल लगेंगे उसमें, क्योंकि ये सब प्रोसीजर सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन है और इसमें आजकल ये इसका डर रहता है ना कि कोई स्कैम ना हो जाए, कोई एलिगेशन ना हो जाए, ये सब सबसे भी जरा स्लो हो जाता है प्रोसेस, लोग जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं जी, कोई शॉर्टकट नहीं लेगा, कोई स्पीड अप नहीं करेगा, वो धीरे धीरे काम चलेगा जी। अगर ये करंट मौजूदा डील की बात हो तो कम से कम 2020-2022 तक हमें एयरक्राफ्ट मिलने चाहिए, इस महीने, इस साल के सितंबर तक पहला जो स्क्वाडन है उसका आगमन हो जाना चाहिए रफाल। हाँ, 36 हवाई जहाज तो सितंबर 2022 तक आएगा जी। उसके बाद आप कह रहे हैं कि 114 एयरक्राफ्ट टोटल होने चाहिए, तो वो कब तक उसकी पूर्ति होगी? 114 का प्रोसेस अभी शुरू हुआ है, RFI इशू हुआ है, उसका रिप्लाई आ गया है जुलाई में जी। अभी सब मैं समझता हूँ कि भाई मार्च तब तक पता नहीं कितने और मिग और जैगुआर फिर से क्रैश हो जाएंगे तकनीकी खराबी और एज की वजह से। वो एक और इशू है जो हमें गौरतलब करने की जरूरत है। डीके पांडे जी धन्यवाद।